हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारी मॉर्निंग अच्छी नहीं गई, बिकॉज रात को सोते सोते वैसे 2 बज गए थे एंड सुबह 6 बजे गौरी ने मुझे उठा दिया, क्योंकि गौरी के ना शोल्डर में, राइट वाले शोल्डर में बहुत गंदी पेन हो रही थी और वो पेन शोल्डर से ले जाके ना चेस्ट तक जा रही थी। और ऊपर से जब गौरी ने मुझे उठाया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी, लिटरली एक शब्द भी नहीं, वो इशारों में बात कर रही थी। बाद में उन्होंने बोला कि उन्हें सांस नहीं आ रही। भाई मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर आए, ठीक है, उधर नीति दी को कॉल करी, सब लोग आ गए सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक, सब लोग यहाँ पे थे। तो उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, बिकॉज कहीं ना कहीं डाउट ज़्यादा था कि गैस्ट्रिक है कि और वेन्स वगैरह में पेन हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आया था। बट हाँ, आफ्टर लाइक 2 आवर्स एवरीथिंग वॉज ओके। तो ये रही गौरी। मुझे गैस्ट्रिक हो गया था बट अभी मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत पेन थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, वो बहुत डिफिकल्ट था। अभी इसे ब्रेकफास्ट करा दिया है, ब्रश वगैरह करा दिया है, मुंह धो दिया, चेंज करा दिए कपड़े, मैंने बटरफ्लाई वाले कपड़े पहने आज। हाँ, तो अभी दलिया खाया गौरी ने सुबह और थोड़ी सी कॉफी दी है ताकि थोड़ा बहुत एनर्जेटिक हो जाए। हाँ। ऐसे सुस्ती सा पड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जा रहा हूँ घर गौरी के लिए दाल बनाने। हाँ। पतली पतली दाल बनाने एंड शी इज डूइंग सम वर्क। एडिटिंग कर दी है मैंने, अपलोड भी हो गया, बट हाँ कुछ पार्ट रहता है वो है सबटाइटल्स के, वो गौरी कर रही है इस टाइम पे, बिकॉज मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। अभी भी काम कर रही हूँ। हाँ, मैं मजदूरी करा रहा हूँ बेबी से। नहीं, शी इज अ लिटिल बिट ओके, तो कहते कि मैं सबटाइटल्स डाल देती हूँ, मैं आराम से लेटी भी हूँ, काम भी इजी हो रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अभी बस मैं जल्दी से निकल रहा हूँ एंड थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा और लंच में गौरी को मिलेगी दाल। ऑल्दो मैंने वो दाल कभी बनाई नहीं है, बिकॉज गौरी को बोला दाल का पानी, दाल का पानी, ताकि पता नहीं वो अच्छा होता है, डाइट और हेल्दी डाइट, तो उसमें कुछ भी नहीं डालना। तो लेट्स सी मैं कैसा बनाता हूँ आज, एक्सपेरिमेंट है आज फिर से खिचड़ी की तरह, लेकिन खिचड़ी अच्छी बन गई थी। हाँ, खिचड़ी भी अच्छी बनी थी एंड आई नो दैट यू विल आल्सो मेक दिस गॉड। प्राउड हूँ मैं। इतना तो नाच होता। नहीं, शी था कि सुबह भाई हम लोग डर गए थे लिटरली। नीति दी भागते हुए आए, वो भी सो रहे थे, डॉक्टर सो रही थी, सब लोग सो रहे थे यहाँ पे, एंड सडनली जैसे हो ना कि बोल नहीं पा रही थी, उस टाइम मेरी सांस अटक गई थी गौरी, क्योंकि बोल नहीं पा रही थी, ऐसे भी जाना ऐसे बात कर रही थी, क्या ही बोलूँ मैं। सुबह के 2 घंटे बहुत टेंशन वाले थे, अब रिलीफ है। A few moments later. मम्मी ने अच्छा काम लगाया ऋषि को। क्या लगाया, मेरे को कुछ मिल ही नहीं था। मम्मी ऋषि का स्वेटर बना रहे हो? हैं, ऋषि लिए बना रहे हो? मैं नहीं पहनता। ये वाला है कि ये वाला आएगा? कौन सा आएगा इनमें से? कोई भी कुछ खींचो। वो वाला दूसरा देखो। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि ऐसे कुछ करते थे। अरे ये नहीं आएगा, ये अटक रहा है। अटक रहा है? ये देखो, ये अटक रहा है। अटक किस पर है? निकल रहा है। इसके लिए बनाना है, सैम के लिए भी बनाना है, इनके लिए भी बनाना है। मेरे पास और भी बहुत पड़ी है, ऐसे ऊपर से गोला गोला बनाते जाते थे। दूसरा अच्छा वो नहीं आया, नियरली हो गया ये, पिछले 2 घंटों से लगा हुआ, चल झूठा। लेकिन देखो यार ये कितना परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट। सैम ये देखो बॉल, ये बॉल खेल बिल्ली की तरह। चलो अभी मैं चलता हूँ घर और आपके लिए लेकर आता हूँ। तो गाइस आई एम होम नाउ। तो सबसे पहले तो यार मैं कपड़े सूखने डालता हूँ, ऑल दो बाहर धूप तो नहीं निकली बट रात को मैं कपड़े धो गया था। मेरा था कि शायद मॉर्निंग में धूप आ जाए, कॉज वेदर फोरकास्ट में बताया था, बट स्टिल इट फोगी आउटसाइड, बट हाँ थोड़े बहुत ड्रेन आउट हो जाएंगे कपड़े, तो वो करते हैं। और गौरी के लिए गर्म पानी लेके जाना है एंड फिर उसके लिए बनाते हैं वो दाल वाला पानी या पानी की दाल जो भी है। वो अपन ने अब कुकर में दाल चढ़ा दी है, तब तक हम कपड़े ऊपर डाल देते हैं कि कपड़ों को सूखने में टाइम लगेगा। तो मुझे 4 बजे तक फिर से वापस आना उतारने, कोर्स उसके बाद फिर से फोक स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जितने सूखे उससे ज़्यादा गीले हो जाएंगे। A
few moments later. गाइस मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग या जो भी ये दाल का पानी या पानी की दाल जो भी होता है ये इतना इजीली कैसे बना लेते हो. बिकॉज मैं पिछले आधे घंटे से लगा हुआ हूँ. मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था कि उन्होंने बोला कि लाइक अगर आधा कप आप दाल ले रहे हैं तो 4-5 कप उसमें पानी डाल दो. तो अब मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम हमारे कुकर के साथ है कि क्या है. तो दाल तो एज यूजुअल ही रह रही है, पानी सारा का सारा बाहर आ रहा है. मतलब कि मुझे ये है कि वो डिजॉल्व हो जाए अच्छे से ताकि गौरी को डाइजेस्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो. तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा. मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैंने कुकर को फिर से निकाला, फिर से पानी डाला, बहुत दो बार किया लाइक. लेकिन सच बोलो वो नहीं गली दाल. लेकिन हाँ हमारी गैस की जो शेल्फ है ना नीचे वाली उसका सत्यानाश हो गया. बड़ी मुश्किल से मैंने अभी क्लीन करी है. ठीक है फिर से एक बार स्टार्ट करने के लिए कुकर को धो दिया. उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी ताकि थोड़ा बहुत मैं होश में हूँ. और उसके बाद मेरे दिमाग में आया ना क्यों ना मैं एक अपना तरीका इस्तेमाल करूँ, जुगाड़ करूँ उसे करने का, कि मैंने सोचा कि ब्लेंड कर लूँ. ठीक है तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर का जार निकाल दिया. तो मैं ब्लेंड करने वाला हूँ दाल को जो भी बची कुची है और बहुत सारी गिर गई है इसमें से. अब मैं फिर से पानी नहीं मिक्स करना चाहता तो ये मैंने इसमें निकाल ली है, थोड़ी ठंडी हो चुकी है. अभी मैं इसमें करता हूँ मिक्स इसको. पहले इतनी सी करके देखता हूँ बाद में, कहीं मैं पूरा डाल दूँ फिर सत्यानाश ही ना हो जाए. यार ये तो लस्सी जैसी बन गई. आई होप कि अच्छे से ब्लेंड हो गई हो. दाल का पानी बोला था मैंने तो इसकी लस्सी बना दी. अब तो गौरी पी सकती है लिटरली इसे स्ट्रॉ के साथ. इसके लिए लिटरली चम्मच की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने लिटरली ना पोर किया डायरेक्ट उस जार से इस बाउल में. अच्छा भाई मेरे हिसाब से तो अच्छा बना है. एंड इससे मैंने एक लेसन सीखा है कि यार नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. को आप कुछ भी कर सकते हो, अपना दिमाग लगाओ कुछ भी हो जाता है. अब बस ये गौरी को पसंद आ जाए तो मैं इसे फिर से डालता हूँ इसमें. सारी की सारी ब्लेंड करता हूँ, थोड़ा सा इसे हीट अप करता हूँ, माइक्रोवेव भी करूँगा और उसके बाद गौरी के पास लेके चलते हैं. तो गाइस ये है वो दाल का पानी और अब ये सच में पानी लग रहा है और ये नॉर्मल पानी. दोनों चीज़ें अब पैक हो गई हैं पूरी तरह से. एंड या क्या आवाज़ आई है. अब इसके साथ चम्मच लेके जाऊँ कि या ये स्ट्रॉ समझ नहीं आ रही. तो मैं ऐसा करता हूँ स्ट्रॉस भी ले जाता हूँ और एक स्पून ले जाता हूँ, है ना. गौरी को जो अच्छा लगेगा उससे पी लेगी. कैसे है? अच्छा बना लिया. जीरे का टेस्ट आया? इट्स काइंड ऑफ सूप. सूप भी कम ही है मेरे को ना. मैं जब बनाया ना मेरे को लस्सी लगी. गौरी से जब पूछा गया कि वो इसको किसके साथ खाना चाहेंगी, चम्मच और स्ट्रॉ के साथ, हालत देख के बोलती इसे चम्मच से खाया जा सकता है. स्ट्रॉ ही बेटर है. लेकिन हाँ ऑल ओवर नारियल पानी. नारियल पानी नहीं है, मेरे को तो लस्सी लगी थी. उस टाइम में हल्की सी झाग भी आती है जब ब्लेंड करो. चलो अच्छा लगा भाई इतना बहुत है. गौरी इधर देखिए अपनी मम्मी की तरफ. हम लिटरली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनके पास और ये खराटे मार रहे हैं. और कितनी जल्दी सो गए अभी पहले. हाँ अभी हमसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. एंड सी खराटे मच रहे हैं. नाइस भाई टैलेंट है इनमें भी. और उठ भी नहीं रहे देख, मैं सर पे चढ़ के बोल रहा हूँ. तो गाइस ये था आज का दिन. आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई यार, बिकॉज काफी डर गए थे हम मॉर्निंग में. बट अंत आते थे काफी अच्छा हो गया, पूरा दिन रिलैक्स हो गया. एंड एक गुड न्यूज ये है कि कल गौरी को डिस्चार्ज फाइनली. हाँ फाइनली घर जाएंगे. बहुत दिन हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल में. हाँ. मैं जाता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए फिर आ जाता हूँ वापस. ठीक है बस इनके शोल्डर में थोड़ा सा पेन है. शोल्डर में क्यों पेन हो रहा है? चल कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक. डॉक्टर ने बोला है कि हाँ पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद मसल वगैरह पुल हुआ है कि क्या है. तो चलो ऑल इन ऑल सब कुछ सही हो गया आज के दिन का एंड आते आते. तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.